Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मैम,
इस मौके पर हर खबर की टीम ने स्कूल के मैनेजमेंट, बच्चों के पेरेंट्स व बच्चों से बात की। सर दोस्तों, जैसे कि आज हम यहाँ पे संभालका में जो गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, इसमें एनुअल डे प्रोग्राम चल रहा, तो यहाँ पे हमारे साथ मैडम है, तो हम मैडम से बात करते। मैडम, जैसे एनुअल डे प्रोग्राम आज चल रहा आपके स्कूल में, और मैं देख रहा छोटे छोटे जो बच्चे हैं बड़े अच्छे करते हुए यहाँ पे दिखा रहे, तो आप कितने दिन पहले इन बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हो? नहीं, 1 वीक पहले बच्चों को प्रैक्टिस देते हैं, और बच्चों स्कूल का एनुअल डे की वजह से ये मना कर रहे हैं बस। तो मैडम, ये प्रोग्राम हर साल आप करवाते हो बच्चों का? हाँ, हर साल करवाते हैं हम बच्चों का। तो अभी जैसे ये पुरवाला में शहीदों पे हमला हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे बच्चों को भी उस चीज़ की जानकारी हो आपके स्कूल? हाँ, उसके लिए हमने बच्चों को समझाया, बताया है कि पुलवामा में ऐसा हुआ है बच्चों में, बल्कि शोक भी प्रकट किया सबने, बच्चों ने भी किया, और बहुत दुख हुआ इस चीज़ का हमें, पुलवामा का। और हमारे स्कूल की तरफ से जो भी हो सकेगा सहायता, हम जरूर अपने सैनिकों को के लिए भेजेंगे। हम यहाँ आए संभालका गांव में जो गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल है उसमें आए हैं, तो हमारे साथ है वरुण शर्मा जी, तो हम उनसे बात करते हैं जिनका ये स्कूल है। तो जैसे एनुअल डे आज फंक्शन इनका चल रहा, तो हम पूछते हैं जो बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे बच्चे स्टेज पे इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे, कितने दिन पहले ये इनकी प्रैक्टिस कराते हैं, या फिर वे बच्चे अपने घर से सीख के आते? सर, जैसे मैं देख रहा जो एनुअल डे प्रोग्राम आपका चल रहा, उसमें छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे दिखा रहे, तो इसकी तैयारी आप कितने दिन पहले करवाते हो? इसकी तैयारी बच्चों की लगभग 1.5 महीने पहले से, और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनकी 2 महीने से, क्योंकि उनको सिखाने में टाइम लगता है। जो डांस वाले हैं उनको स्टेप्स समझाने पड़ते हैं ताकि सबके स्टेप्स मैच हो सकें, तो तकरीबन 1.5 महीने। आप सिखाते हो बाहर से? बिल्कुल, हमने कुछ टीचर हो या आपके टीचर जो है वही सिखा देते हैं? हमारे खुद के भी टीचर डांस टीचर्स हैं, और अगर हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने बाहर से भी टीचर्स मंगवाए हैं, हायर किए हैं एक तरीके से, कि और वो यहाँ पे आए भी हुए हैं। तो सर, जैसे मैं देख रहा है यहाँ पे जो बच्चों के पेरेंट्स भी काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं, तो आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे अब ये स्टार्ट आपका हुआ है, तो जैसे बच्चों को कुछ विनर प्राइज भी यहाँ पे दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, हम अभी देंगे जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, कुछ बच्चों को हम देंगे, जिस दिन एनुअल डे हमारा रिजल्ट होगा उस दिन भी देंगे, और आज जिन्होंने स्पोर्ट्स डे में भाग लिया था उनको आज हम यहाँ पे सर्टिफिकेट्स देंगे, उन्होंने स्पोर्ट्स डे में बहुत मेहनत की थी, आप देखेंगे उनके सर्टिफिकेट्स हम देंगे उनको। तो सर, जैसे ये आपका स्कूल चल रहा, कितने दिन से ये स्कूल चल रहा है यहाँ? इस स्कूल को चलते हुए 16 साल हो चुके हैं, 16 साल से ये स्कूल है यहाँ पे हमारा, और बहुत अच्छी पहचान है लोगों के बीच में, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसे यहाँ बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया और उनके पेरेंट्स आ गए, बिल्कुल शांत वातावरण में इसका लुक उठा रहे? हमसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है, एक समर्थन बहुत बड़ी चीज़ होती है जो उनके माता पिता ने बच्चों को दिया है, वरना ये बच्चे खड़े नहीं हो पाते यहाँ पे। उनके माता पिता ने अच्छे से अच्छी ड्रेस ला कर दी उनको, जिस तरीके की सहूलियत उनको मिल सकती थी पेरेंट्स से, वो उन्होंने दी है, और बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा सराहनीय है पेरेंट्स की जो उन्होंने वो दिखाया है अपना। तो सर, ये एनुअल डे जो प्रोग्राम है ये आप हर साल करवाते हो? बिल्कुल, आपके स्टार्टिंग हुआ आपका पहली बार? नहीं, पिछले 2 वर्ष से तो आप ही आ रहे हैं, और ये हर साल हम रखते हैं, और आगे भी हम इसको हर साल रखेंगे, पीछे नहीं रखते थे, लेकिन अब से हम इसको पिछले 2 साल से हम रख रहे हैं, और इसको हर साल ऐसे ही अब रखेंगे। जो गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल है संभालका में, और उसका एनुअल डे चल रहा है, और आप यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के भी आए, और बच्चों को शायद कमांडो का कुछ सिखाया भी है, तो क्या कहना चाहोगे आप स्कूल के बारे में, और बच्चों के कैसे बच्चे यहाँ पे हैं? बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं तो जब यहाँ आया था तो मुझे लग रहा था कि सभी छोटे क्लास के बच्चे हैं, तो नॉर्मली मतलब अपना परफॉर्मेंस रखेंगे, मगर यहाँ परफॉर्मेंस जब बच्चों का देखा तो टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है आज के यहाँ का। तो और बच्चे का भी, बच्चों को सिखाया आपने, तो कैसा लगा सिखाने में, कुछ मज़ा आया कि नहीं? नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बच्चे हैं सीखने में, और काफ़ी अच्छा लगा, प्रोग्राम भी सारे अच्छे हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी, जैसे ये संभालका में स्कूल है गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, उसमें आप आए हो, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी, पढ़ते हैं। तो जो आज एनुअल डे चल रहा है उसमें आपके बच्चों ने भाग लिया है? भाग तो नहीं लिया है, लेकिन एनुअल डे फंक्शन बड़ा अच्छा चल रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है देख के, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
बहुत ही स्कूल को क्या कहना चाहूँगे, इतना अच्छा प्रोग्राम किया हुआ उन्होंने। बढ़िया स्कूल है जी, और बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा है। कोई भी प्रोग्राम होता है जैसे 26 जनवरी, तो उस मौके पे ये लोग अच्छा बच्चों के प्रति मतलब फंक्शन रखते हैं। और एनुअल डे का कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैडम क्या नाम है आपका? सूरजमुखी। सूरजमुखी जी, जैसे आज हम देख रहे हैं जो गायत्री पब्लिक स्कूल है उसमें एनुअल डे चल रहा है। हाँ, तो आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, मेरा बेटा पढ़ता है। पढ़ता है, तो कैसा प्रोग्राम लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके बच्चे ने भाग लिया हुआ है प्रोग्राम? हाँ जी। तो क्या कहना चाहूँगी स्कूल को जो इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किया उन्होंने? थैंक यू बोलना चाहूँगी, मतलब अच्छा है, बच्चे भी मतलब अच्छे पढ़ रहे हैं। मेरे और भी बड़े बेटे और मेरी बेटी यहाँ से ही 5वीं पास करके गए हैं, तो वो भी मतलब पढ़ाई इसमें अच्छी होती है, अच्छा ध्यान रखा जाता है बच्चों का। अच्छा, बेटे क्या नाम है? वंश। मनीष, किस चीज़ में भाग लिया आज आपने अपने स्कूल में? डांस में। डांस में किस चीज़ पे डांस किया? फैशन का जलवा सॉन्ग। सॉन्ग पे कौन सा सॉन्ग था बताओ? फैशन का जलवा। फैशन का जलवा, तो कैसा लगा यहाँ पे? हमें तो अच्छा लगा। तो स्कूल में सिखाया था या मम्मी पापा ने सिखाया था आपको? स्कूल में सिखाया था। स्कूल में सिखाया था, किसने सिखाया? मैम ने। अनुष्का। अनुष्का किस चीज में भाग लिया आज अपने स्कूल में? रैम वॉक में। रैम वॉक में, तो किसने सिखाया था, मम्मी पापा ने या स्कूल की जो मैडम है उसने? स्कूल की जो मैम है उनने। तो कैसा लगा यहाँ प्रोग्राम करके? अच्छा। अच्छा लगा। तो और कौन थे आपके ग्रुप में, या अकेले किया आपने? मेरे साथ एक रेखा था। अच्छा, क्या नाम था उसका लड़का? वंश। स्कूल का क्या नाम है आपके? गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल। तो पहले भी आपने भाग लिया ऐसे प्रोग्राम में? यूकेजी में लिया था। यूकेजी में। क्या नाम है आपका? जिशान। किस चीज में भाग लिया? डांस में। कौन सा डांस में? क्या बात है, क्या बात है। तो ये किसने सिखाया था आपको? मैम ने। तो मम्मी पापा ने कहा था भाग लेने को या अपनी मर्जी से लिया? अपनी मर्जी से। हाँ भाई, क्या नाम है? कार्तिक। कांति, किस चीज में भाग लिया आज? डांस में। क्या प्रोग्राम हो रहा है आज आपके स्कूल में? एनुअल फंक्शन। तो कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे आप? एक हफ्ते से। हाँ भाई, नैतिक। हाँ, किस चीज में भाग लिया? डांस में। स्कूल का क्या नाम है आप? गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास के हो आप? आई एम थर्ड क्लास। थर्ड क्लास, तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? बहुत अच्छा। अंकित। अंकित जी, जैसे हम देख रहे हैं गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते हो और यहाँ पे एनुअल डे प्रोग्राम चल रहा है, तो इन बच्चों को कितने दिन पहले आप सिखाते हो? सर, वैसे तो बेसिकली हम 15 डेज से पहले प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार हमने अच्छे से कराने के लिए 20 डेज पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे करें, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है। लाइक अभी टेररिस्ट अटैक हुआ, उस चीज़ को लेकर के हम अवेयर करना चाहते थे पब्लिक को, अपने स्टूडेंट्स को, कि विच टाइप ऑफ स्ट्रगल आर्मी आर फेसिंग इन पुलवामा अटैक्स वी रिसेंटली सीन। सो इन सब चीज़ों को लिखते हुए हमने प्रोग्राम को कंबाइंड किया है, और ऊपर से डॉटर्स को लेकर एक लेसन मिले पब्लिक को, सोसाइटी को, कि हमारे स्कूल बच्चों को क्या सिखा रहा है, क्या नहीं सिखा रहा। सो ये सब हमारी प्रिपरेशन जो ऑलमोस्ट जो आप आज देख रहे हैं। तो सर, जैसे स्कूल है गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल, तो कौन इसको चलाता है? सर, वैसे तो ऑनर और प्रिंसिपल तो हमारे वरुण शर्मा सर हैं, उन्हीं की देख रेख में आज स्कूल चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। तो उनको क्या कहना चाहूँगे इतना अच्छा प्रोग्राम स्कूल? सर, वी आर लकी टू हैव द प्रिंसिपल दिस लाइक मिस्टर वरुण शर्मा सर, उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया उन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी थी हमें कि आपको जिस तरह से करना है आप कीजिए, और ये रिजल्ट है, बच्चों की मेहनत है, हमारी मेहनत है, प्रिंसिपल सर का ये आश्वासन है हमारे ऊपर, जो हमने इतना अच्छा प्रोग्राम आज करवाया है। तो जो बच्चे यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं देख रहा छोटे नन्हे बच्चे बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हुए, तो उनको क्या कहना चाहूँगे आप अपने स्कूल की तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन पेरेंट्स को, कि खासकर जिन्होंने डॉटर्स को भेजा, आजकल क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्राइवेट स्कूल में डॉटर्स को नहीं भेजते, उन्होंने इतनी फ्रीडम दी अपने बच्चों को, इतना आगे बढ़ाने के लिए वो पहल कर रहे हैं, तो मैं उनको थैंक्स बोलूँगा, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जिससे कि उनका आज डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्वालिटी डेवलपमेंट हो रहा है उनको, तो इसके लिए मैं उनको एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। हम यहाँ पे समालका में जो गायत्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल है उसमें एनुअल डे प्रोग्राम हो रहा, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं, और यहाँ पे हमने जो छोटे नन्हे बच्चे अपने
यहाँ पे प्रोग्राम दिखा रहे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे। तो हमने यहाँ पे जो स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर है, और जो बच्चों ने भाग लिया उनसे भी, और जो उनके पेरेंट्स आए, इन सभी से हमने बात की। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे मज़ा आ रहा पेरेंट्स को देखने में भी, और जो प्रोग्राम चल रहा तो कहना है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.